अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल वन में आज हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स की। जनाब, मैथ्स में हम काउंटिंग सीख रहे थे और काउंटिंग में हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी 40 तक, और आज की क्लास में हम 41, 42 ये वाली काउंटिंग सीखेंगे जनाब। तो बेटा 41 से आपको पता है ना कि 41 का मतलब क्या होता है? 40 और 1 यानी 41। लुक एट हियर एवरी वन, बोर्ड पे देखें, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 45। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जब हम 40 की लाइन स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 की लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, और 10 की लाइन में जो है 4 की लाइन होगी। सारे नंबर्स किसके होंगे? वो 4 के। 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 45। तो अब हम एक दफा इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको ये समझ आ जाना चाहिए और ये बात अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब हम 4 की लाइन या किसी भी नंबर की लाइन स्टार्ट करेंगे काउंटिंग में, तो उसके साथ सारे नंबर ऐड होते जाएंगे। 41, 42, 43, 44, 45 के बाद आपको पता है कौन सा नंबर आता है, हम उसकी भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरह ये पूरी काउंटिंग कहां तक एंड होगी? 9 पे जाके एंड होगी, और फिर 9 के बाद नया नंबर की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक दफा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लीजिए बोर्ड पे आप लोग कैसे लिखेंगे। 41, 41, तो आपने 4 बनाना है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि 4 आपका ना बॉक्स के बहुत कॉर्नर पे हो और ना बहुत ही ज्यादा ऊपर हो, बिल्कुल एक बैलेंस होना चाहिए। और इसके साथ हमने क्या लिख दिया? 1। 4 के साथ हमने 1 लिख दिया, तो ये बन गया 41। अच्छा, बाद दफा बच्चे क्या करते हैं, 41, तो 1 पे एंड हो रहा है तो बच्चे 1 लिख देते और फिर इसके बाद 4 लिख देते। इट्स रॉन्ग, हमें पता होना चाहिए कि 41, 41, 41। तो हम पहले किसका नंबर काउंट कर रहे हैं, हम किसका नंबर रीड कर रहे हैं? 4 का। तो पहले हम लिखेंगे 41, और 1 हम एंड में कर रहे हैं तो 1 उसके बाद आएगा। तो जनाब, इसके बाद सबसे पहले हम 40 का 4 लिखेंगे और फिर 1। लेकिन आप राइटिंग को भी फॉलो कीजिए कि बॉक्स के सेंटर में होना चाहिए और ना ही बॉक्स के ऊपर होना चाहिए, ना लाइन से नीचे होना चाहिए, ना दोनों 4 और 1 बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स हो कि आपको नंबर बिल्कुल भी ना पता चले कि ये कौन सा नंबर है। तो 41, 41। अब 41 के बाद किसकी काउंटिंग आती है? 1 के बाद 41, 42। इसके बाद हम लिखेंगे 42, और आपको वही ट्रायल करना है कि लाइन से टच हो, लाइन से ना नीचे हो, ना लाइन से बाहर हो, ना लाइन के ऊपर हो, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पर हो। और 43, पहले 42 एक दफा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद 43 पे आएंगे। 42, 42, इसके बाद 43, 43। अभी देखिए ये 3 जो बना है ये बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसकी राइटिंग प्रॉपर नहीं है, लाइन से टच नहीं है, तो हमने खुद इसको रेज करना है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि जो चीज हमें नहीं समझ आ रही, अच्छी नहीं लग रही है, हमने खुद उसको सही करके दोबारा लिखना है। अब बेटर आ रही है बात समझ में? 43 क्या बन गया? 43, 43, 43। एक दफा और प्रैक्टिस कर ली, 43। अब यहाँ पे भी ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप इसको भी सेट करें कि इतना ज्यादा ना हो कि अजीब सा लगे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों बैलेंस होने चाहिए। 43, 43, 44, 44, 44, 44, इसके बाद एट द एंड 45, 45। देखिए ये कुछ ज्यादा ऊपर हो रहा है तो ये अजीब सा लग रहा है, तो आपने बॉक्स के हिसाब से कि आपका एंड इतना बड़ा भी ना नंबर बने तो बुरा लगे। 45, 45। तो वन मोर टाइम हम रीड कर लेते हैं, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45। अच्छा, आपको ये चीज तो पता होगी ना कि ये 1 वाली लाइन जो होती है यूनिट की या वंस की लाइन होती है, और 4 वाली लाइन जो होती है वो टेंस की लाइन होती है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये वाली जो काउंटिंग है 1, 2, 3 ये वाली साइड वंस की या यूनिट की लाइन है, और 4 वाली जो लाइन है वो टेंस की लाइन है। दो डिजिट जो जब आ जाते हैं तो एक यूनिट और अगला 10 नंबर होता है, यूनिट 10। 41, 42, 43, 44, 45। हमने कहां से काउंटिंग स्टार्ट की है? ठीक है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10 के बाद आप देखें नंबर चेंज हो गया, 1 0 10 के बाद 1 1 11 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी, 1 1 11, 1 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद कौन सी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 1 21, ये चीजें हमने माइंड में रखी है। मैं आपको 50 के बाद की पूरी काउंटिंग एक साथ लिख के भी बताऊंगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 के बाद देखिए 3 की लाइन स्टार्ट होगी, 2 के बाद 3 आता है, तो 29 के बाद 30, 30, 30, अब 30 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39 के बाद देखिए 4 आ गया, 3 के बाद 4 आता है, तो 39 के बाद हमने बोला 40, 40, 40 की लाइन, 41, 42, 43, 44, 45, तो जनाब 45 तक आज हमने अपनी काउंटिंग को मुकम्मल की है। इसके बाद हम काउंटिंग करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद के जो नंबर्स है 46 टू 50 वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर उसके बाद आपकी 1 टू 50 तक की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सारी चीजों की आपको वेबसाइट पीडीएफ मिल जाएगी, वर्कशीट मिल जाएंगी, आपको पहले ट्रेसिंग करनी होगी क्योंकि ये तो लेवल 1 है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इनको ट्रेसिंग करनी होगी और ट्रेसिंग के बाद फिर ये सेल्फ राइटिंग पे आ जाएंगे और आपको ट्रेसिंग के लिए वर्कशीट की पीडीएफ वेबसाइट में से मिल जाएगी और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जनाब इसके साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसकी लर्निंग करेंगे तो आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।